तो पीयूष बता देना, चूज फॉर्मूला हम देखेंगे आज। और ये जो चूज फॉर्मूला है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होता है, कैसे यूज करेंगे, क्या यूज है, आइए सीखते हैं और हमारे साथ साथ पीयूष भी सीख ही जाएंगे। तो पीयूष से स्टार्ट करें, तो चलिए ये देखते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू से ही तो शुरू होता है। तो इज इक्वल टू लगाने के बाद, यहां लगाएंगे चूज। और अब यहां पे करना क्या है देखिए, समझिए बात को। यहां पर लिखा हमने वन और इसके बाद कॉमा दे दिया, ठीक है। यहां पे लिखता हूं सेवन, यहां पे लिखता हूं 89, यहां पे लिखता हूं सेवन, यहां पे लिखता हूं सिक्स, यहां पे लिखता हूं फोर, यहां पे लिखता हूं थ्री, यहां पे लिखता हूं कॉमा दे दे करके, यहां पे लिखता हूं 33। तो अभी ये कुल मिलाकर के वन के बाद एक दो तीन चार पांच छह सात, सात नंबर हमने लिख दिए हैं। जैसा कि आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा यहां पर हमने वन लिखा है। वन यानी कि इंडेक्स नंबर हमारा वन है और बाकी की ये वैल्यूज हैं, इनमें से कौन सा आपको उठाना है, ठीक है। उठाना मतलब कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहां पर अभी मान लीजिए चौथे नंबर का लेना हो तो चौथे नंबर पर जानते क्या आएगा, ये सेवन, ठीक है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, यहां पे सिक्स आ जाएगा आंसर। नहीं विश्वास हो रहा है, एंटर करिए, सिक्स आ गया। तो ये इसी तरह से काम करता है, छोटा सा फॉर्मूला था मैंने कहा बता दूं, तो ये इसी तरह से चूज फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया सिक्स, अब यहां पे चेंज कीजिए, यहां पे देखिए मैं चेंज करता हूं, जैसे यहां पे फोर है ना, यहां पे वन कर देता हूं, तो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे सेवन ही है, तो यहां पे सेवन आ जाएगा, देखिए सेवन आ गया। तो इसी तरह से ये चूज फॉर्मूला काम करेगा। फिर इसको चेंज करते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे क्या करते हैं, इस बार कर देते हैं हम टू कर देते हैं, तो दूसरे नंबर पे 89 है, देखिए ना दूसरे नंबर पे 89 ही है, तो ये पहला नंबर हो गया सेवन और दूसरे नंबर पे हो गया 89, तो ये 89 आ गया। तो इसी तरह से ये चूज फॉर्मूला काम करेगा। आगे इसका डिटेल में जो इस्तेमाल है वो भी हम सीखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।